नमस्कार साथियों, आप बैठ जाएं तो हम शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारी स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है कांग्रेस पार्टी का, और नागपुर में है तैयार हम एक महारैली का आयोजन किया गया है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी राज्यों के नेता कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहेंगे भारी मात्रा में। कल शंखनाद होगा हमारी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हो रही हैं। इस संदर्भ में आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं हमारे महासचिव संगठन के श्री केसी वेणुगोपाल जी। मैं वेणुगोपाल जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। थैंक यू जयराम जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑन डिसंबर 21 कांग्रेस वर्किंग कमेटी यूनानिमसली हैड गिवन एन ओपिनियन दैट राहुल गांधी जी शुड स्टार्ट ए यात्रा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नाउ राहुल गांधी आल्सो एग्रीड टू फुलफिल द विशेस ऑफ द CWC। So, All India Congress Committee has decided to hold a Bharat Nyaya Yatra from January 14 to March 20th, from Manipur to Mumbai. January 14 to March 20th, from Manipur to Mumbai. We had done a Rahul Gandhi led a yatra from Kanyakumari to Kashmir, traveling 4,500 kilometers. That was a historic yatra in Indian political history. Now, Rahul Gandhi is doing a yatra with the great experience from the first Bharat Jodo yatra. Certainly this yatra is going to interact with the youth of this country, women of this country, or marginalized people and different areas of the people. This yatra will cover a distance of 6,200 kilometers. 6,200 kilometers. And it traverses the following states: Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, UP, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, and finally Maharashtra. Basically, 14 states, this yatra is covering 14 states and 85 districts. Basically, mode of yatra is a bus yatra. Bus yatra allow maximum access to the people on the way. But it will also have a short stretches of walking. Every now and then. This important announcement we are doing today
Already Jairam ji told about the Foundation Day programs which is going to happen tomorrow in Nagpur. Congress party is expecting this Bharat Jaya Yatra is going to be also a most historic Yatra of this country. Thank you. साथियों, जैसा कि अभी अभी वेणुगोपाल जी ने आपको जानकारी दी है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की, और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय में। उन्होंने अपनी आवाज़ बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के बारे में, बढ़ती हुई सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखा। वो मन की बात नहीं थी, वो जनता की चिंता थी। लोगों से सुनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है, और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों को, आम जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण तरीके से उपलब्ध हो। तो यही है पृष्ठभूमि भारत न्याय यात्रा का। इसकी डिटेल अगले कुछ दिनों में हमारे महासचिव संगठन आपको देते रहेंगे, पर मोटे तौर से 14 जनवरी को ये शुरू होगा, 20 मार्च को समाप्त होगा। मणिपुर से मुंबई भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू और कश्मीर और दिल्ली के अलावा 12 राज्य शामिल थे। भारत न्याय यात्रा में 16 राज्य शामिल हैं, 14 राज्य शामिल हैं, पर 6,200 किलोमीटर लंबा ये भारत न्याय यात्रा है। जैसा कि इन्होंने आपको समझाया, ये ज़्यादातर बस यात्रा रहेगा, पर रोज पद यात्रा भी होगा, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। पर ये यात्रा है आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। अगर आपके एक मिनट कुछ सवाल है वेणुगोपाल जी, आपको जवाब। वन मोर थिंग्स, दिस यात्रा ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी विल फ्लैग ऑफ ऑन 14th एट इम्फाल। Details of this yatra, everything we will inform you later. We are working on that. मैं आपको याद दिला दूं, भारत जोड़ो यात्रा में अलग-अलग राजनीतिक दल शामिल थे। हाँ जी, और कोई सवाल? सर,
पहले ये यात्रा संपन्न हो जाए ऐसा टारगेट है? एक्चुअली वी हैव डन राहुल गांधी 4,500 किलोमीटर. There is no problem for walking the yatra. Now we are going for a different mode. That is only. This March. So is there a possibility, because during the India Alliance meeting it was told that 8 to 10 meetings will happen, public rallies, events. That will not clash along with this. We will make arrangement for that also. Manipur. This yatra, basically, you know that Manipur is one of the important part of the northeast. We are starting this yatra from northeast. Manipur, we want to try to heal the wounds which happened in Manipur. Therefore, this yatra is the yatra for love and affection. This is not a political yatra. Don't think that it isn't. We are not going to make it as a big political yatra. Already Jairam ji mentioned about the issues. We are going to raise these issues of the common people of this country. It will interact with the people, those who are suffering. That's only. We are not going to make it as a political yatra, election yatra. Nothing is there. We will find out the yatra where we didn't went last time. We will find out the route like that. We will give the details in. Okay. No. Sir. Okay. Yatra ke baare mein. Yatra ke baare mein. No. Don't worry about all these things. We have a clear-cut mechanism. Election arrangement. We are going to make a separate system in Delhi. There will be a contact system now. Definitely, it will not going to affect election at all. Sir, this time around, one question, sir. While you... Yatra ke baare mein. Yatra ke baare mein. Because you are beginning it from Manipur, moving from West Bengal to Maharashtra. So is it possible that now that India Alliance is there, so in West Bengal you have more TMC effort, left effort? No, that's why I told the details of the yatra and everything, we will inform you. Because now we are announcing the yatra, we are working out the details. Rally will be there, definitely rally will be there, not only, other leaders will also attend. CP, Congress President, like people. यात्रा के बारे में यात्रा के बारे में रूट ऑफ द यात्रा वी विल गिव इन डिटेल्स. ओके थैंक यू. जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारी स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है कांग्रेस पार्टी का, और नागपुर में हैं तैयार हम एक महारैली का आयोजन किया गया है. कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी राज्यों के नेता कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगे भारी मात्रा में. कल शंखनाद होगा हमारी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हो रही हैं. इस संदर्भ में आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं हमारे महासचिव संगठन के श्री के सी वेणुगोपाल जी. मैं वेणुगोपाल जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें. थैंक यू जयराम जी. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. ऑन दिसंबर 21st कांग्रेस वर्किंग कमेटी यूनानिमसली हैड गिवन एन ओपिनियन that Rahul Gandhi ji should start a yatra from east to west. Now Rahul Gandhi also
agreed to fulfill the wishes of the CWC, so All India Congress Committee has decided to hold a Bharat Nyaya Yatra from January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. January 14th to March 20th from Manipur to Mumbai. We had done a Rahul Gandhi led a yatra from Kanyakumari to Kashmir, traveling 4,500 kilometers. That was a historic yatra in Indian political history. Now, Rahul Gandhi is doing a yatra with the great experience from the first Bharat Jodo Yatra. Certainly, this yatra is going to interact with the youth of this country, women of this country, or marginalized people, and different areas of the people. This yatra will cover a distance of 6,200 kilometers. 6,200 kilometers. And it travels the following states: Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, UP, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, and finally Maharashtra. Basically, 14 states, this yatra is covering 14 states and 85 districts. Basically, mode of yatra is a bus yatra. Bus yatra allow maximum access to the people on the way. But it will also have a short stretches of walking. Every now and then. This important announcement we are doing today. Already Jairam ji told about the Foundation Day programs which is going to happen tomorrow in Nagpur. Congress Party is expecting this Bharat Nyaya Yatra is going to be also a most historic yatra of this country. Thank you. साथियों, जैसा कि अभी-अभी वेणुगोपाल जी ने आपको जानकारी दी है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने तीन मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की,
और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये तीन बड़े मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय में। उन्होंने अपनी आवाज़ बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के बारे में, बढ़ती हुई सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखा। वो मन की बात नहीं थी, वो जनता की चिंता थी। लोगों से सुनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है, और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा, ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों को, आम जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण तरीके से उपलब्ध हो। तो यही है पृष्ठभूमि भारत न्याय यात्रा का। इसकी डिटेल अगले कुछ दिनों में हमारे महासचिव संगठन आपको देते रहेंगे, पर मोटे तौर से 14 जनवरी को ये शुरू होगा, 20 मार्च को समाप्त होगा। मणिपुर से मुंबई भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू और कश्मीर और दिल्ली के अलावा 12 राज्य शामिल थे। भारत न्याय यात्रा में 16 राज्य शामिल हैं, 14 राज्य शामिल हैं, पर 6,200 किलोमीटर लंबा ये भारत न्याय यात्रा है। जैसा कि इन्होंने आपको समझाया, ये ज़्यादातर बस यात्रा रहेगा, पर रोज पद यात्रा भी होगा, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। पर ये यात्रा है आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। अगर आपके एक मिनट कुछ सवाल है वेणुगोपाल जी, आपको जवाब। वन मोर थिंग्स, दिस यात्रा ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी विल फ्लैग ऑफ ऑन 14th एट इम्फाल। Details of this yatra, everything we will inform you later. We are working on that. मैं आपको याद दिला दूं, भारत जोड़ो यात्रा में अलग-अलग राजनीतिक दल शांति शामिल। हाँ जी, और कोई सवाल? सर, हाँ जी। आज क्या वजह है कि इस यात्रा को बस यात्रा करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले यात्रा की चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया कि चुनाव से पहले ये यात्रा संपन्न हो जाए, ऐसा टारगेट है? एक्चुअली बहुत we have done, Rahul Gandhi has walked 4,500 kilometers. There is no problem for walking the yatra. Now we are going for a different mode. That is only. Sir, ye 14 se 28 hoga, sir. 20 March. That will not clash along with this. We will make arrangement for that also. So what is the reason behind choosing Manipur as the starting point? Manipur? As the starting point. This yatra, basically you know that Manipur is one of the important part of the Northeast. We are starting this yatra from Northeast. Manipur, we want to try to heal the wounds which happened in Manipur. Therefore, this yatra is a yatra for love and affection. Sir, jis tarah se dekha gaya ki aapko yatra ka lab Karnataka
This is not a political yatra. Don't think that it isn't. We are not going to make it as a big political yatra. Already Jayaramji mentioned about the issues. We are going to raise these issues of the common people of this country. It will interact with the people, those who are suffering. But that's only. We are not going to make it as a political yatra, election yatra. Nothing is there. We will find out the yatra where we didn't went last time. We will find out the route like that. We will give the details in. No. Okay. Yatra ke bare mein. Yatra ke bare mein. No. Don't worry about all these things. We have a clear cut mechanism. Election arrangement, we are going to make a separate system in Delhi. There will be a contact system now. Definitely, it will not going to affect election at all. Sir, this time around, one question, sir. While you... Yatra ke bare mein. Because you are beginning it from Manipur, moving from West Bengal to Maharashtra. So is it possible that now that India Alliance is there, so in West Bengal you have more TMC efforts, left effort? No, that's why I told the details of the yatra and everything, we will inform you. Because now we are announcing the yatra, we are working out the details. Haji, rally will be there, definitely rally will be there, not only, other leaders will also attend. CP, Congress President, like people. यात्रा के बारे में रूट ऑफ द यात्रा वी विल गिव इन डिटेल्स ओके थैंक यू तो हम शुरू करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कल हमारी स्थापना दिवस है फाउंडेशन डे है कांग्रेस पार्टी का और नागपुर में है तैयार हम एक महारैली का आयोजन किया गया है कांग्रेस पार्टी के सभी नेता सभी राज्यों के नेता कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगे भारी मात्रा में कल शंखनाद होगा हमारी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हो रही हैं इस संदर्भ में आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं हमारे महासचिव संगठन के श्री केसी वेणुगोपाल जी मैं वेणुगोपाल जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें थैंक यू जयराम जी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स ऑन दिसंबर 21 कांग्रेस वर्किंग कमेटी यूनानिमसली हैड गिवन एन ओपिनियन that Rahul Gandhi ji should start a yatra from east to west. Now Rahul Gandhi also agreed to fulfill the wishes of the CWC so All India Congress Committee has decided to hold a Bharat Nyaya Yatra from January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. We had done a Rahul Gandhi led a Yatra from Kanyakumari to Kashmir. Traveling 4,500 kilometers. That was a historic yatra in Indian political history. Now, Rahul Gandhi is doing a yatra with the great experience from the first Bharat Jodo Yatra.
certainly this yatra is going to interact with the youth of this country, women of this country, or marginalized people and different areas of the people. This yatra will cover a distance of 6,200 kilometers. 6,200 kilometers. And it traverses the following states: Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, UP, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, and finally Maharashtra. Basically, 14 states. This yatra is covering 14 states and 85 districts. Basically, mode of yatra is a bus yatra. Bus yatra allow maximum access to the people on the way. But it will also have a short stretches of walking. Every now and then. This important announcement we are doing today. Already Jairam ji told about the Foundation Day programs which is going to happen tomorrow in Nagpur. Congress party is expecting this Bharat Jaya Yatra is going to be also a most historic yatra of this country. Thank you. साथियों, जैसा कि अभी अभी वेणुगोपाल जी ने आपको जानकारी दी है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की, और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय में। उन्होंने अपनी आवाज़ बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के बारे में, बढ़ती हुई सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखा। वो मन की बात नहीं थी, वो जनता की चिंता थी। लोगों से सुनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है, और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा
ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों को, आम जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण तरीके से उपलब्ध हो। तो यही है पृष्ठभूमि भारत न्याय यात्रा का। इसकी डिटेल अगले कुछ दिनों में हमारे महासचिव संगठन आपको देते रहेंगे, पर मोटे तौर से 14 जनवरी को ये शुरू होगा, 20 मार्च को समाप्त होगा। मणिपुर से मुंबई भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू और कश्मीर और दिल्ली के अलावा 12 राज्य शामिल थे। भारत न्याय यात्रा में 16 राज्य शामिल हैं, 14 राज्य शामिल हैं, पर 6,200 किलोमीटर लंबा ये भारत न्याय यात्रा है। जैसा कि इन्होंने आपको समझाया, ये ज़्यादातर बस यात्रा रहेगा, पर रोज पद यात्रा भी होगा, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। पर ये यात्रा है आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। अगर आपके एक मिनट कुछ सवाल है, वेणुगोपाल जी आपको जवाब। वन मोर थिंग्स, दिस यात्रा ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी विल फ्लैग ऑफ ऑन 14th एट इम्फाल। Details of this yatra, everything we will inform you later. We are working on that. मैं आपको याद दिला दूं, भारत जोड़ो यात्रा में अलग-अलग राजनीतिक दल शामिल थे। हाँ जी, और कोई सवाल? सर, हाँ जी। क्या वजह है कि यात्रा को बस यात्रा करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले आपने पैदल यात्रा की थी? भाव को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है कि चुनाव से ठीक पहले ये यात्रा संपन्न हो जाए, ऐसा टारगेट है? एक्चुअली we have done Rahul Gandhi walked 4,500 kilometers. There is no problem for walking the yatra. Now we are going for a different mode. That is only. Sir, ye 14 se 28 hoga, sir. 14 january se 28 hoga. 20 march. Sir, is there a possibility, because during the India Alliance meeting it was told ki 8 to 10 meetings will happen, public rallies, events? That will not clash along with this. We will make arrangement for that also. So what is the reason behind choosing Manipur as the starting point? Manipur? As the starting point. This yatra, basically you know that Manipur is one of the important part of the Northeast. We are starting this yatra from Northeast. Manipur, we want to try to heal the wounds which happened in Manipur. Therefore, this yatra is a yatra for love and affection. This is not a political yatra. Don't think that. It isn't. We are not going to make it as a big political yatra. Already Jairam ji mentioned about the issues. We are going to raise these issues of the common people of this country. It will interact with the people, those who are suffering. No, that's only. We are not going to make it as a political yatra, election yatra. Nothing is there. We will find out the yatra where we didn't went last time. We will find out the route like that. We will give the details in. No. Okay. यात्रा के बारे में। No. Don't worry about all these things. We have a clear-cut mechanism. Election arrangement. We are going to make a separate system in Delhi. There will be a contact system now. Definitely, it will not going to affect election at all. Sir, this time I have one question, sir. While यात्रा के बारे में। Now that India Alliance is there, so in West Bengal you have more TMC efforts, left effort. No,
that's why I told the details of the yatra and everything we will inform you. Because now we are announcing the yatra, we are working out the details. Rally will be there, definitely rally will be there, not only, other leaders will also attend. CP, Congress President, like people. यात्रा के बारे में यात्रा के बारे में रूट ऑफ द यात्रा वी विल गिव इन डिटेल्स ओके थैंक यू तो हम शुरू करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कल हमारी स्थापना दिवस है फाउंडेशन डे है कांग्रेस पार्टी का और नागपुर में है तैयार हम एक महारैली का आयोजन किया गया है